ने फरमाया है कि जिस आदमी ने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ात वाजिब हो गई। अभी कितने लोग हैं इधर मदीना शरीफ जाते हैं और उनको कब्र की ज़ियारत नसीब होती है, सारे ने तो धक्के पेंदे आ जाते हैं, इसके मतलब फरमाया। ये मैं कहता हूँ अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के आखिरी नबी होने का तकाजा था और अल्लाह ने इसको पूरा किया कि हुजूर की तरफ जो बात भी मनसूब हुई है ना तो वो छलनी में से गुजर गई कि आपने फरमाया या नहीं फरमाया। हाँ, सही हदीसों के साथ जैसे ये इमिटेशन है कि नकली माल भी चल रहा ना, इसी तरह हदीस में भी लोगों ने बड़ी मिलावट की है। बहुत कारा रसूल्ला अब ये आ रही शबरादियाँ ही दफ्तर होंगे, किस रात ये है ये, मैं आपके सामने पूरी जिम्मेदारी, एक हर्फ भी इसके बारे में सही नहीं, ना कोई रात है ना हुजूर ने कुछ फरमाया, मगर ढेर लग जाएंगे, हर मसल में मुला चला रहे होंगे, अखबारात में आर्टिकल आएंगे, लिखी जाती है तकदीर, क्या करें, दीन जो है उसमें इतनी मिलावट कर दी है कि लोग उसके नीचे दब कर रह गए। ये कब्र पाक की ज़्यारत जिस जिस हदीस में है ना कि जिसने मेरी कब्र की ज़्यारत की, कहीं आता कि जिसने ना की उसने मुझ पर ज़्यादती की, एक भी सही हदीस के आलमों ने बिला झिझक ये कहा कि भाई ये सब मौजू और ज़यीफ़ रिवायत हैं। कोई बात आपने मस्जिद का कहा, आपने फरमाया कि तीन मस्जिद हैं जिनकी ज़्यारत के लिए तुम सफ़र कर सकते हो, एक मस्जिद हराम है वहाँ लाख नमाज का सवाब है, एक मेरी मस्जिद है वहाँ हज़ार का, वो भी मशहूर हो गया 50, वो भी नहीं सही, हज़ार मस्जिद नबी में लगी भी यही हदीस और है भी सही बुखारी में 1000, और मस्जिद अक्सा है वो 250। तीन मस्जिदें हैं, तीनों अल्लाह के पैगंबरों ने बनाई, सुलेमान अलैहि सलाम ने, ये अल्लाह के रसूल ने, ये इब्राहिम अलैहि सलाम ने, मस्जिद का जिक्र है मेरे भाई। ठीक है, जब मदीना शरीफ जाएगा फिर कब्र पाक पर भी हाजिरी देगा, सलाम कहेगा, वो अलग बात है, हुजूर ने हर जगह से फरमाया। अब मैं और आप यहाँ भी कह दें हुजूर पर सलाम तो कहा, जब भी कोई मुस्लिम मुझ पर सलाम कहेगा अल्लाह ताला मेरी रूह को मुतवज्जे करेगा, इतला मिलेगी कि फलां या रसूल सलाम कह रहा और मैं उसके सलाम का जवाब दूंगा। बड़ी इसादत है मेरी और आपकी, इसीलिए लम्मा अलबानी फरमा रहे मैं जद्दा गया और वहाँ से सितंबर लगवानी थी मदीना जाने के लिए, तो क्लर्क कहने लगा आप जा रहे हैं, अल्लामा साहब मेरा सलाम कहना होगा, उन्होंने कहा यार मुझे याद रहे या ना रहे, यहाँ कोई रुकावट है तो क्या था सलाम इसी वक्त फौरन चला जाए, इसलिए सलाम ठीक है। जहाँ से जीते आप कहें कब्र शरीफ की ज़्यारत भी ईमानता का होता है कि रसूलल्लाह यहाँ दफन है या आपका मेम्बर है, मगर ये अल्फाज जो है ना कि शबाद वाज वो जाती है किसी में आता है जिसने हज किया और मेरी ज़्यारत कर जफा नहीं, ये नहीं साबित हुआ।